नगरी में बढ़ते प्रदूषण के चलते इस समय जिला अस्पताल में नेत्र रोगियों की जांच के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जांच के दौरान मरीजों की आंखों में जलन और आंखों में पानी निकलने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ताज नगरी में इन दिनों बढ़ते प्रदूषण के चलते ताज नगरी वासी खासे परेशान हैं। आपको बता दें कि इन दिनों बढ़ते प्रदूषण के चलते जिला अस्पताल में नेत्र रोगियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं ज्यादातर मरीजों में आंखों में जलन और पानी निकलने जैसी समस्या सामने आ रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे चश्मे का प्रयोग करें और आंखों को पानी से बार बार धोएं, जिससे कि इस तरीके की समस्याओं से जूझना ना पड़े। प्रदूषण बढ़ा है उससे ये लोग परेशान है, थोड़ा सा उसमें लालामी, आंखों में जलन और पानी आना, इस तरह की परेशानी आ रही है। थोड़ी जो अस्थमा वाले हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम तो होती है, साथ साथ आंखों में भी दिक्कत होने लगती है। जिनको खांसी जुकाम या एलर्जी है वो भी आंखों के साथ प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो निसंदेह उसका परेशानी तो है। लगता है कि पिछले कुछ दिनों में आपके भी पेशेंट बढ़े? हाँ, उसके आंखों के पेशेंट बढ़े हैं। बचाव क्या हो सकता है? बचाव तो यही है कि भाई कोशिश ये करें कि पानी से धो लें, आंखों में एलर्जी डालें। जिनका प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है वो तो बच के ही चलें। अगर बाहर निकलना है तो चश्मा पहने, चश्मा ज्यादा बचा तो नहीं पाता, नहीं कोशिश करें कुछ तो बचाव होगा ही। कोई एकदम सामने से जो प्रदूषण आ रहा है वो नहीं लगेगा, और साइड से जो आ रहा है उसे तो बचा नहीं सकते। आंखों की ओपीडी तो लगातार बढ़ रही है, प्रदूषण भी तो बढ़ती ही है, जो उसकी वजह से हो रहा है। साथ साथ मोतियाबिंद के मरीज एक साथ बढ़े, तो ओपीडी तो बढ़ी है हमारी, लगभग डबल हो गई। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।